इस तरह से आपको स्क्वायर पीसेस चाहिए। और ये हमने पुराने सूट में से, आपके पास कोई शर्ट कुछ भी पड़ा हो उसमें से, ये रग के लिए बेस कट किया है। ये देखिए, ये हमने ओल्ड कपड़े में से बेस कट किया। तो जितना बड़ा आपको रग बनाना हो इस तरह से आप एक बेस कट कर सकते हैं। और इस तरह से किसी भी पुराने क्लोथ्स में से, आपके सूट या कुछ भी हो, उसमें से 2 बाई 2 इंचज़ के स्क्वायर पीसेस इस तरह से हमने प्लेन, और ये, और हमने ये एक बेस कट किया है। अब हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे और रग बनाएंगे। तो आपको जितना बड़ा बनाना है आप ये उतना बड़ा पीस कट कर सकते हैं और उस शेप में कट कर सकते हैं। और हमने ये प्लेन की 2 इंचज़ की स्ट्रिप्स, जितनी लंबी आपसे आपकी कट सकें उस तरह से, प्लेन और प्रिंटेड की 2 इंचज़ 2 इंचज़ की स्ट्रिप्स भी कट की हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक इस तरह से कटा हुआ कंप्लीट बेस चाहिए, इस तरह के 2 बाई 2 इंचज़ के स्क्वायर पीसेस चाहिए, और इस तरह की 2 इंचज़ के स्ट्रिप्स चाहिए ये रग बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बेस साइड से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 पीसेस लिए थे, इनको हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, हमने स्टिचिंग कर ली है। इसे हम निकाल के हम पहले इसका बेस फिनिश करेंगे। अब इसे सीधा कर लीजिए, जहाँ से हमने, यहाँ से थोड़ा सा ओपन छोड़ा हुआ है, यहाँ से। ये देखिए, ये हमने इसको रिवर्स कर लिया। अब यहाँ साइडों पे स्टिचिंग लगा लीजिए, इसे यहाँ से इस तरह से मोड़ के, जो ओपन था इस एरिया में भी, इसे पूरा स्टिच कर लीजिए। ये जो स्क्वायर पीसेस कट किए थे और ये जो 2 इंच के स्ट्रिप्स कट की थी, इसे पहले यूज़ करना है इस तरह से। इसे इस तरह से फोल्ड कीजिए, फिर इस तरह से और इस तरह से, इसे एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कीजिए और इस तरह से इधर स्टिचिंग लगा दीजिए। इस तरह से ये पूरे पे लगा लें। ये देखिए, ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से आप अलग अलग इस तरह से आप उन्हें तैयार कर लीजिए। आगे क्या करना है, जो हमने ये बेस लिया था इसके ऊपर हमें ये इस तरह से इस तरह से इसे यहाँ से आप सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से इसे सिलाई लगा लीजिए। फिर जो हमें हमारा यहाँ से छूटेगा, फिर हम इसमें आगे से इस तरह से और इस तरह से जोड़ लेंगे। इस तरह से आगे हम फिर इसमें और जोड़ लेंगे। इसी तरह से हम इसे पूरा सर्कल अपना कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे
हमने यहाँ से शुरू किया था साइड से। ये देखिए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा इसके साइड में लगा दिया है। जिस तरह से हमने प्लेन का ये बनाया था, उसी तरह से हमने ये प्रिंटेड का बनाया है। अब हम इस पर प्रिंटेड की लाइन लगाएंगे। अब हमें ये इस तरह से इसके ऊपर रखनी है। सेम उसी मेथड से हमने बनाया है इसे, ये देखिए। अब इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा गैप देके इस तरह से थोड़ा सा गैप देके इस तरह से आप इसे स्टिच कर लीजिए और प्रिंट की पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे हमने ये वाली रो फर्स्ट रो कंप्लीट की थी, इसी तरह आप ये सेकंड रो इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह आपने प्रिंट की जितनी रो बना, ये हमने प्रिंटेड कपड़े की बनाई है, सेम उसी तरह से हमें इसके ऊपर यहाँ इस तरह से इसके ऊपर रख के हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ऊपर रखिए और यहाँ पे इसे सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। फिर हम इस तरह से इसमें और पीस जोड़ देंगे। इस तरह से हमने और बना रखा है इसे। इस तरह से यहाँ से साइड से फोल्ड करके इसे इसके साथ अटैच करके इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में इस पर पूरी सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से आपके फ्रिल की सेकेंड रो आ जाएगी। तो जब आप ये सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे, तो हमने ये प्लेन कलर की फिर से तीसरी रो बनाई है, आप इसे लगा लीजिए इस तरह से इसके ऊपर। लगाने का मेथड सेम है, उसी तरह से आपको राउंड इस पर लगा लेना है। इस तरह से इसमें ये प्लेन लगा लिया, फिर एक प्रिंट की और बीच में थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिएगा, उस पर हम दूसरे तरीके से फ्रिल लगाएंगे। तो इसे पूरी फ्रिल को लगा के ये देखिए, ये हमने सारी फ्रिल लगा ली है इसमें सिलाई लगा के इस तरह से एक के ऊपर एक रख के। ये लास्ट में हमारा इस तरह से बन गया है। अब ये लास्ट में जो हमारा ये यहाँ पे बच गया है, इस पर हम फ्रिल लगाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से लगाएंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ, ये हमने एक पट्टी के दोनों तरफ इस तरह से लगा दिए हैं, दोनों तरफ लगाए हैं। पहले हमने सिर्फ एक तरफ लगाए थे और उसे हमने राउंड राउंड किया था, अब हमने ये दोनों तरफ लगाए हैं। फिर हम इस पट्टी को यहाँ बीच में सेंटर में लगाएंगे फिनिश करने के लिए इस तरह से। यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करके
आप यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो ये आपका कंप्लीट वर्क तैयार हो जाएगा।